उत्तराखंड उधम सिंह नगर के रुद्रपुर गंगापुर रोड पर आवासीय क्षेत्र में खुल रहे इस्पात सेंटर का विरोध। क्षेत्रवासियों ने भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने उपजिलाधिकारी मनीष विष्ट व थाना अध्यक्ष ब्रजेश शाह से दूरभाष पर बात कर उसे इस्पात सेंटर का विरोध दर्ज करवाया। पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक धीरेन्द्र पंत ने इस्पात सेंटर में पहुंचकर इस्पात सेंटर के संबंध में अनुमति के कागज मांगे, जिस पर वह कोई अनुमति के कागज नहीं दिखा पाए, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए धीरेन्द्र पंत ने तुरंत स्पा सेंटर को चेतावनी देते हुए स्पा सेंटर पर लगी हुई फ्लैक्स को मौके पर से हटवाकर भीड़ को शांत किया। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी प्रकार की हिंदू विरोधी संस्कृति को पनपने नहीं दिया जाएगा। आज यहाँ हमारे गंगापुर रोड पे ये बिस्ट्रो कैफे में एक स्पा सेंटर खुल रहा था, थाई स्पा सेंटर, जिसका यहाँ पर हमारे क्षेत्रवासियों ने, हमारे हरीश मिश्रा जी हैं, मुंजाल जी हैं, अनेजा जी, छावड़ा जी, सब लोगों ने विरोध किया। बहुत सारी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई थी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर 10 कम से कम स्कूल हैं, बड़े बड़े इंटर कॉलेज हैं, 100 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं, ये पूरा आवासीय क्षेत्र है, और यहाँ इस प्रकार का एक स्पा सेंटर खुलना जो अपने आप में एक शर्मनाक घटना थी। मैंने तुरंत यहाँ पर मौके पे पहुंचकर उप जिलाधिकारी से बात की। जब उनसे बात की तो उन्होंने पुलिस से वार्ता करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी फ़ोन पे बात की, यहाँ के थाना अध्यक्ष से भी बात की, तुरंत यहाँ पर मौके पे पुलिस भी आ गई। जब उन्होंने अपने इस स्पा सेंटर के लाइसेंस मांगे, इसके कागजात मांगे, तो यहाँ पर वो कोई भी कागज़ नहीं दिखा पाए, तो उसके बाद यहाँ पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सारे स्पा सेंटर को, उनको चेतावनी भी दी, और जो ये पोस्टर बैनर उन्होंने यहाँ लगाए थे बड़े बड़े, थाई स्पा सेंटर, जिसको देख के आए लोगों ने आक्रोश पैदा हो गया था, उसको भी हटाने का काम हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और हम उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं जो देवभूमि है, ये देवों के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं होने देंगे। अभी इसको हम चाइना नहीं बनने देंगे, इसको हम दिल्ली नहीं बनने देंगे, ये हमारी देवभूमि है, ये हमारा गृह क्षेत्र है, हमारा शहर है, यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो कोई भी इस प्रकार का अनैतिक कार्य हम नहीं होने देंगे, क्योंकि स्पा सेंटर में पहले भी कई बार छापे पड़े हैं, तो उन स्पा सेंटरों पर हमेशा कोई ना कोई अनैतिक कार्य होते पाए गए हैं, तो हम लोग इसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं, और आज यहाँ पर अभी पुलिस ने आके इसको बंद करा दिया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।